अकोमोडेशन जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए दी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। सवाल ये पैदा होता है कि वो एकोमोडेशन जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है वो क्यों प्रोवाइड कर रहा है। तो हम एकोमोडेशन को टू टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक वो एकोमोडेशन होती है जो जॉब रिलेटेड होती है, और एक वो एकोमोडेशन होती है जो जॉब रिलेटेड नहीं होती, नॉट जॉब रिलेटेड। जॉब रिलेटेड का मतलब है वो एकोमोडेशन जो उसकी जॉब के लिए पार्ट एंड पार्सल है, जरूरी है। तो अगर एक एकोमोडेशन जॉब रिलेटेड होगी तो वो एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्सेबल बेनिफिट नहीं आएगा। और अगर वो नॉट फॉर जॉब रिलेटेड है तो वो एडिशनल बेनिफिट है, और वो एडिशनल बेनिफिट जो होगा वो टैक्सेबल होगा। पहले हम बात करेंगे नॉट फॉर जॉब रिलेटेड, और उसके बाद फिर बात करेंगे जॉब रिलेटेड के ऊपर। तो अगर किसी एम्प्लॉय को रहने के लिए एकोमोडेशन दी जाती है नॉट फॉर जॉब रिलेटेड, तो उसमें जो टैक्सेबल बेनिफिट्स आते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक टैक्सेबल बेनिफिट जो कि बेसिक बेनिफिट होता है, जो कि सारे एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, देना पड़ता है, जिसको हम नाम दे देते हैं बेसिक चार्ज। और एक होता है एडिशनल चार्ज जो कि कंडीशनल होता है, किसी को देना पड़ता है और किसी को नहीं देना पड़ता। ये जो बेसिक चार्ज है तो सबको देना पड़ेगा, ये जो एडिशनल चार्ज है ये उस वक्त देना पड़ेगा जब प्रॉपर्टी एक्सपेंसिव एकोमोडेशन की डेफिनेशन के अंदर फॉल हो जाएगी। अगर एक्सपेंसिव एकोमोडेशन की डेफिनेशन में प्रॉपर्टी फॉल नहीं होती तो ओनली बेसिक चार्ज। अब बेसिक चार्ज कितना होगा, और अगर वो एडिशनल चार्ज लगता है तो वो एडिशनल चार्ज कितना होगा, उसकी कैलकुलेशन बेसिक चार्ज। इसमें एक बात का ध्यान रखा जाए कि प्रॉपर्टी एम्प्लॉयर की अपनी है या अपनी नहीं है, किराए की प्रॉपर्टी, रेंटेड प्रॉपर्टी। तो बेसिक चार्ज क्या होता है, बेसिक चार्ज लिया जाता है एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि आइडेंटिफाई किया जाएगा, सवाल में गिवन होगी एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, वो बेसिक चार्ज में आ जाएगा। और अगर वो प्रॉपर्टी किराए पर हुई तो फिर हायर ऑफ कैलकुलेट किया जाएगा दो चीज़ों का, ए एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, विच एवर इज हायर। तो बेसिक चार्ज या तो एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ले लें, कब लेंगे एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, जब प्रॉपर्टी ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होगी, उसकी अपनी होगी। और अगर प्रॉपर्टी उसने रेंट पे लेकर आगे एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दी है तो एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, एनुअल वैल्यू हमेशा सवाल में गिवन होगी। एक्सपेंसिव एकोमोडेशन जो है वो कभी भी रेंटेड प्रॉपर्टी में नहीं आ सकता। एक्सपेंसिव एकोमोडेशन कभी भी रेंटेड प्रॉपर्टी में नहीं आता, वो हमेशा ओन प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। तो ये बात ध्यान में रखें कि एक्सपेंसिव एकोमोडेशन किसके अगेंस्ट आएगा, जब वो एम्प्लॉयर की ओन प्रॉपर्टी होगी। अगर सवाल में लिखा हुआ है कि रेंटेड प्रॉपर्टी दी गई तो फिर एडिशनल चार्ज को भूल जाए, फिर कोई एडिशनल चार्ज नहीं होगा, तो ओन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब एक्सपेंसिव की डेफिनेशन क्या है, कब वो एक्सपेंसिव एकोमोडेशन होगी और एडिशनल चार्ज लगेगा, ये हमें कैसे पता लगेगा। तो एक्सपेंसिव की एक डेफिनेशन है कि उसकी जो कॉस्ट है वो 75,000 पाउंड से एक्सीड कर जाए। अगर कॉस्ट 75,000 पाउंड से एक्सीड कर जाती तो वो एक्सपेंसिव एकोमोडेशन की डेफिनेशन में आ जाती। अब कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट क्या होगी। तो कॉस्ट यूजुअली परचेज प्राइस होती है, लेकिन उसके अंदर कुछ एडिशनल चीज़ें भी ऐड हो जाती है। तो ओरिजिनल कॉस्ट लेंगे, समटाइम्स मार्केट वैल्यू भी ले सकते हैं, मैं बताता हूँ कब लेंगे मार्केट वैल्यू। नॉर्मली हम कॉस्ट लेते हैं, उसके अंदर अगर हमने कोई कैपिटल इम्प्रूवमेंट की है एट द स्टार्ट ऑफ द करंट ईयर,
तो वो ले लेंगे, ड्यूरिंग द करंट ईयर होगी तो वो इस साल नहीं लेंगे, और ये कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन आ जाएगी। मसलन हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 90,000 की, और उसके अंदर इस साल हमने 20,000 का और खर्चा किया, यानी कि पिछले साल, तो 110,000 की हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन आ गई। इज इट मोर देन 75,000? तो ये बन गई एक्सपेंसिव एकोमोडेशन, और इसके ऊपर एडिशनल टैक्स चार्ज एम्प्लॉय को देना पड़ेगा। अब एक्सपेंसिव एकोमोडेशन का जो एडिशनल चार्ज होगा वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? सो एडिशनल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम ये देखेंगे कि हमारी कॉस्ट कितनी है, और इसको हम कंसिडर करेंगे अप्रोप्रिएट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करने को, एक्सेस निकालेंगे और उस एक्सेस को अप्रोप्रिएट परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो फॉर्मूला ये बनेगा, कॉस्ट लेस 75,000 मल्टीप्लाई बाय ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इस साल के लिए कितना है? 2.25%। सो ये हमारे पास एडिशनल चार्ज आ जाएगा। समटाइम्स ये होता है कि हम मार्केट वैल्यू यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ कॉस्ट, ये बात ध्यान में रखी जाए कि जब एक्सपेंसिव एकोमोडेशन की डेफिनेशन पे बात की जाएगी तो मार्केट वैल्यू से उसको कंपेयर नहीं किया जाएगा, मार्केट वैल्यू से कंपेयर नहीं किया जाएगा। मार्केट वैल्यू की जो यूज़ है वो कब पड़ेगी? जब आपकी जो प्रॉपर्टी है वो एम्प्लॉय को जब फर्स्ट टाइम प्रोवाइड की जा रही है, तो हम ये देखेंगे कि वो कितने साल पुरानी थी। वेयर द एम्प्लॉयर एक्वायर्ड द एकोमोडेशन मोर देन 6 years बिफोर फर्स्ट प्रोवाइडिंग टू द एम्प्लॉय, 6 साल पहले वो खरीदी गई थी, तो फिर हम मार्केट वैल्यू लेंगे व्हेन फर्स्ट प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय रादर देन द ओरिजिनल कॉस्ट। यानी कि अगर एम्प्लॉय को वो प्रोवाइड की गई थी 6 अप्रैल 2020 को, तो क्या वो 6 साल पहले खरीदी गई थी? तो अब 6 अप्रैल 2020 को उसकी कॉस्ट दी हुई है 90,000 और उसकी मार्केट वैल्यू दी हुई है 1,20,000। क्या ये एक्सपेंसिव एकोमोडेशन है? यस, लेकिन फॉर्मूले में अब हम लेंगे मार्केट वैल्यू माइनस 75,000 मल्टीप्लाई बाय ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें यह ख्याल रखना है कि मार्केट वैल्यू कब कॉस्ट को क्या करेगी? ऑफसेट कर देगी। अगर ड्यूरिंग द ईयर कुछ इम्प्रूवमेंट की गई तो वो ड्यूरिंग द ईयर इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट ईयर के अंदर काउंट होगी, और प्रॉपर्टी ओन्ड होनी चाहिए रादर देन कि वो प्रॉपर्टी जो है वो किराए की हो। तो किराए की प्रॉपर्टी होगी तो उस पर